ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन चक्र यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एक अस्थायी तथा रिवर्सिबल यौगिक बनाती है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अधिक होता है, जैसा कि पल्मोनरी कैपिलरीज में होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। परंतु जब O2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो जैसा कि टिश्यूज में होता है, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है। ऑक्सीजन का फेफड़ों से ऊतक तक परिवहन इस आधार पर होता है। ऑक्सीजन के आंशिक दाब अर्थात पार्शियल प्रेशर तथा हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का संयोजन व विमुक्ति का संबंध ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहलाता है। इस कर्व में हीमोग्लोबिन के प्रतिशत संतृप्तिकरण यानी परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन को ऑक्सीजन तनाव अर्थात पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के विरुद्ध प्लॉट किया जाता है। ये अलग अलग परसेंटेज पर पार्शियल प्रेशर पर अलग अलग इसकी हीमोग्लोबिन की परसेंटेज बताई गई है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 10 होता है तो परसेंट सेचुरेशन जो हीमोग्लोबिन की है वो 15% होती है। जब पार्शियल प्रेशर 20 होता है तो सेचुरेशन जो है वो 40%। इस तरह से पार्शियल प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं तो परसेंट सेचुरेशन बढ़ता जाता है, अर्थात जब 70 पार्शियल प्रेशर आ जाता है तो करीबन 95% सेचुरेशन हो जाता है, और जब 100 होता है तो 98% सेचुरेशन, यानी 98% सेचुरेशन कंप्लीट सेचुरेशन माना जाता है। ये कर्व बताई गई है ये कि एक तरफ इसमें परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बताया गया है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताया गया है कि पार्शियल प्रेशर जब 10 होता है तो ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम होता है, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता है सेचुरेशन बढ़ता जाता है और एक पॉइंट पर आकर के ये स्थिर हो जाता है, अर्थात जब 98% सेचुरेशन हो जाता है तो वो स्थिर अवस्था हो जाती है। इस तरह से ये एक सिग्मोइड कर्व प्राप्त होती है। ये कर्व अपने नॉर्मल स्थिति के अंदर यानी जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg होता है और pH जो है वो 7.4 और टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस पर ये हमें लिया जाता है। तो ये जो कर्व दिखाई गई है ये इस तरह इस स्थिति के अंदर बनती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को प्रभावित करने वाले यानी जो डिसोसिएशन कर्व जो होती है उसको प्रभावित करने वाले कई प्रकार के कारक हैं, जिसमें टेम्परेचर, CO2, pH इनका मुख्य प्रभाव होता है। टेम्परेचर, तापक्रम में वृद्धि होने पर हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन कम हो जाता है, अर्थात वृद्धि से ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूटने लगता है, जैसा कि अपने फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उस समय ये। दूसरा है CO2 व pH का प्रभाव। ऑक्सीजन वियोजन वक्र जो होता है CO2 व pH द्वारा प्रभावित होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम 1910 में क्रिश्चियन बोर ने किया था, इसलिए इसे बोर प्रभाव भी कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक होने पर जो कर्व है वो दाईं ओर विस्थापित हो जाती है।
CO2 के उत्तकों से रुधिर में प्रवेश के परिणाम स्वरूप रुधिर में कार्बोनिक एसिड बनता है। इसके विघटन से HCO3 व हाइड्रोजन आयन बनते हैं। एच आयन की अधिकता से pH कम हो जाती है और कम pH पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन विमुक्त हो जाती है तथा हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन से संयोग कर लेते हैं। इसलिए अधिक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तथा कम pH पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन होकर दाईं ओर विस्थापित हो जाता है। ये करो बताई गई है, इसमें तीन करो दिखाई गई है। एक नॉर्मल स्थिति की जो बीच वाली करो है जो कि 40 mm पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और pH 7.4 होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 80 mm होता है तो करो एकदम लगभग सीधी हो जाती है और pH इसके कम हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 20 mm होता है तो करो जो है उसमें सेचुरेशन जो है वो जल्दी हो जाता है और करो बाईं ओर मूव कर जाती है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन ही